हेलो हेलो यस यस सर सर ऑडिबल ओके सरप्राइज में जो आप लोगों ने किया था मैंने ऑलमोस्ट सभी को शेयर कर दिया है डेट विथ मार्क्स मिल गया होगा आई थिंक सभी को सर सरप्राइज हाँ सरप्राइज जो आप लोगों ने दिया था अभी सब्जेक्टिव वाला ठीक है ये सर मिल गया उसके मार्क्स हमने सेंड कर दिए थे ये सर तो वो तो आप लोगों को मिल गया होगा मेरे ख्याल से ये सर मिल गया था कल अच्छा कल मिल गया था ठीक है ठीक है तो एक मिनट अभी हम उसमें डिस्कस भी कर लेंगे ठीक है पाँच कि जो क्वेश्चंस अगर किसी के डाउट रहे होंगे तो पूछ लीजिएगा ठीक है सर, और आज वाला क्विज का नहीं क्विज का नहीं क्विज का भी नहीं डिस्कस करेंगे अभी तो सरप्राइज जो हमने दिया था ठीक है उसमें सर, कोई तो कोई डाउट नहीं था तो इजी था अच्छा 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 क्विज कैसा था क्विज सर ठीक था मतलब नॉर्मल था कुछ थोड़े हार्ड थे सर क्वेश्चन मतलब हार्ड नहीं थे सर टाइम टेकिंग थे वो अच्छा हाँ तो कुछ तो क्वेश्चन रहेंगे टाइम टेकिंग तो आप लोगों को वही है ना कि प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है इस सब्जेक्ट में है ना जैसे yes, प्रैक्टिस अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो थोड़ा दिक्कत होगी मैं बार बार कहता था न्यूमेरिकल करिए न्यूमेरिकल करिए है ना तो न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पे इम्फिसाइज करने के लिए मैं बार बार कहता था तो कुछ क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल तो रहते ही हैं ये देखिए ये हमने लास्ट टाइम ये शेयर हुआ आप लोग को दिख रहा है Visible है। 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 no, अभी नहीं अच्छा no, ठीक एक मिनट तो ये second unit को wind up करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है कुछ चीजें बची थी सो खत्म करा देता हूँ मैं तो देखिए मैक्सवेल इक्वेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस टर्म पे अभी दिख रहा होगा आप लोग को ठीक है ये फोर मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, ये इनके ऑर्डर हैं, ठीक है थीके? इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है डिफरेंशियल फॉर्म एज वेल एज इंटीग्रल फॉर्म ठीक है तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड है ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है गेटिंग माय पॉइंट तो ये इनके इंटीग्रल फॉर्म्स हैं ठीक है थीके? तो आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है ठीक है ये जो डी डॉट हमने ऊपर लगाया है इस डी डॉट का मतलब होता है डेल डी बाई टी तो आप यहाँ डेल डी बाई टी भी लिख सकते हैं या आप डी डॉट फॉर्म में भी इस तरह लिख सकते हैं ठीक है थीके? ऐसे ही बी डॉट का मतलब है डेल बी बाई टी ठीक है तो जो भी आप चाहें तो इसको डेल बी बाई डेल्टी लिख सकते हैं या बी डॉट लिख सकते हैं तो हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके थे देन वी हैव डिस्कस ऑल द देश रिगार्डिंग ऑल फोर इक्वेश चारों इक्वेश की ठीक है कैसे उनको क्या रिप्रेजेंट करते हैं क्या बोलते हैं ठीक इसके बाद हमने कन्वर्जन uh, देखा था डिफरेंशियल से इंटीग्रल फॉर्म जैसे ये जो हमने बताया आपको कि वन बाई वन फ्रॉम डिफरेंशियल टू इंटीग्रियल हमारा कैसे आ रहा है इसके लिए हमने ये निकाला था ठीक है ये हम आपको बता चुके हैं प्रीवियस टर्म पे ठीक है तीन चारों इक्वेशंस के डिफरेंशियल से इंटीग्रल फॉर्म कैसे आ रहे हैं ये सब मैं बता दिया था इसके बाद स्टैटिक फील्ड के लिए भी बता दिया था कि अगर हमारी यही मैक्सवेल चारों इक्वेशन अगर स्टैटिक फील्ड के लिए लिखना स्टैटिक का मतलब होता है जिसमें टाइम की वैल्यू जीरो हो जाए मीन्स द समथिंग दैट इज नॉट अफेक्टेड विद द चेंज ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड स्टैटिक क्लियर तो अगर आपका फील्ड स्टैटिक है मतलब आपका टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है तो इट मीन डेल बी बाई टी एंड डेल डी बाई टी विल बी जीरो जो भी टाइम रिलेटेड टर्म्स है वो जीरो हो जाएंगे तो अगर आप मैक्सवेल इक्वेशन देखें तो टाइम रिलेटेड टर्म आपके पहले और दूसरे हैं ये दोनों आपके बेसिकली नहीं डिपेंड कर रहे हैं ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है ठीक है जैसे यहाँ बी डॉट है ये देखिए डेल बी बाई टी है ये टाइम पे डिपेंडेंट है ऐसे डी डॉट है डेल डी बाई टी ये भी टाइम पे डिपेंडेंट है ये दोनों टर्म में d डेट्स और b that, b बी डे डॉट दोनों जीरो हो जाएंगे ठीक है तो पहले वाले में केवल j के बराबर आएगा और दूसरे में जीरो के बराबर आ जाएगा डेल क्रॉस इज इक्वल टू जीरो पहले में डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जीरो जे ठीक है तो यही हमारा निकाला था हम लोगों ने देख सकते हैं इनके रिगार्डिंग हमने इनके इंटीग्रल फॉर्म भी लिख दिए थे ठीक है इंटीग्रल फॉर्म में भी यही चीज अप्लाई हो जाएगा इंटीग्रल फॉर्म में देखेंगे तो ये डी वाला टर्म जीरो हो जाएगा यहाँ पे बी वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो यहाँ तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और यहाँ पे आपका इंटीग्रल बचेगा, ठीक है? तो देख सकते हैं फील्ड है? तो तो के लिए पूछी जाएगी तो आपको ये लिखना है इस तरह से ठीक है इसके बाद आपकी आती है मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर फ्री स्पेस फ्री स्पेस में कुछ कंडीशंस होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ये बगल में लिखी हुई हैं ये भी हम बताए थे आपको जैसे

तो हमने ऑल फोर मैक्सुअल इक्वेशन को अप्लाई किया है देखिए ये सारी कंडीशन को हमने चारों मैक्सवेल इक्वेशन पे अप्लाई कर दिया है यू कैन सी देन वी हैव गॉट द रिजल्ट गेटिंग माई पॉइंट जहां पे भी जे आ रहा था पहले में जे आ रहा था जे का टर्म जीरो हो गया तो हमारा डेल क्रॉसेस डेल डी बाई टी के बराबर आ गया या इसको आप डी डॉट डी एस इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ठीक है सिमिलरली सेकेंड वाले में बी वाला टर्म आपका देखिए जल बी बाई डेल्टी एग्जिस्ट करेगा क्लियर क्योंकि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट तो जीरो हो नहीं रहा फ्री स्पेस के लिए तो ये कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा और इसकी वैल्यू भी आपको दिख रही है यहाँ पे ठीक है सिमिलरली सी और डी पे तो कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी इस तरह के टर्म नहीं है जिन्हें हम जीरो या वन करेंगे ठीक है हाँ रोवी है सॉरी एक रोवी टर्म आ रहा है थर्ड वाले में तो रोवी की वैल्यू जीरो होगी तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा बेसिकली ठीक है फॉर फ्री स्पेस तो ये हमारा इंटीग्रल फॉर्म में हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन दैट इज इंटीग्रल डी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो सिमिलरली और फोर्थ इक्वेशन दैट इज इज डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो इसमें कोई आपको मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके कोई भी ऐसे टर्म नहीं आ रहे हैं जो फ्री स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट कर रहे हो ठीक है तो ये एज इट इज रहेगा देन वी हैव फ्री मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर स्टैटिक फील्ड इन फ्री स्पेस अब स्टैटिक फील्ड भी अगर आप कंसीडर कर लेंगे पहले वाले केस में हमने स्टैटिक फील्ड नहीं लिया था फ्री स्पेस में अब दूसरे वाले केस में हम स्टैटिक फील्ड ले रहे हैं स्टैटिक का मतलब नॉन टाइम बेरिंग फील्ड तो यहाँ स्टैटिक लेंगे तो आप टाइम वाले टर्म को जीरो कर देंगे तो पहले जे जी जीरो जी हो रहा था अब ये भी जीरो हो जाएगा पिछले में वाले में देखिए केवल जे जी जीरो जी हो रहा था फ्री स्पेस के लिए अब आपका स्टैटिक फील्ड होने की वजह से ये भी जीरो हो जाएगा तो दोनों जीरो हो जाएंगे तो डेल क्रॉस एस इज इक्वल टू जीरो कर दीजिए स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग टू द लाइन सिमिलरली फॉर सेकेंड टाइम वेरिंग हम ले नहीं रहे स्टैटिक फील्ड ले रहे हैं तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो डेल क्रॉस जीरो के बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन फॉर्म में ईड डीएल इज इक्वल टू जीरो सी ओर डी पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा वैसे ही रहेंगे अब हम आते हैं डेरिवेशन पार्ट पे हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे मैक्सवेल इक्वेशन का आई थिंक प्रीवियस टर्म पे हम लोगों ने किया था दिस इज योर फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन ठीक है दैट इज इज डेल 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 क्रॉस एस इक्वल टू जे प्लस डी टी इसको हम लोग प्रूफ कर रहे थे प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया था प्रूफ भी इनके पूछे जाते हैं ठीक है ये ध्यान रखिएगा मैक्सवेल इक्वेशन के प्रूफ आपसे पूछा जा सकते हैं कि डिराइव फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म ठीक है या इंटीग्रल फॉर्म ठीक है तो डिफरेंशियल फॉर्म निकाल लेंगे तो उससे इंटीग्रल फॉर्म निकली आती है वो हमने आपको पहले ही बता दिया था ठीक है तो स्पेशली जो डिफरेंशियल फॉर्म को डेरिवेशन है वो आपको पता होना चाहिए ठीक है सारी इक्वेशन का तो जैसे आप देख सकते होंगे हमने स्टार्ट कहाँ से किया ये हमको प्रूफ करना है तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम द एम्पियर सर्किटल लॉ यू नो दैट इट इज डेल क्रॉस इज इक्वल टू जे होता है एम्पियर सर्किटल लॉ ये हम पहले ही बता चुके हैं इसमें क्या करिए दोनों साइड डेल का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए इधर भी और इधर भी तो हमने डेल का देखिए डॉट प्रोडक्ट कर दिया इसके साथ और इसके साथ भी ठीक है अब आपको पता है एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ अ वेक्टर एक प्रॉपर्टी होती है क्या कि अगर हम डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर लेते हैं तो ये जीरो होता है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर मीन डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर वेक्टर आप एच ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं यहां तो यहाँ तो एच है तो अगर आप इसका पूरे का देखेंगे रिजल्टेंट रिजल्ट जीरो आएगा ठीक है इट विल बी जीरो ठीक है लिखा भी है यहाँ पे स्टेटमेंट तो अगर आप इसको इक्वेशन नंबर टू पे अप्लाई करेंगे तो जीरो इज इक्वल टू डेल डॉट जे जे हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा जीरो हो जाएगा ना तो राइट हैंड साइड डेल डॉट जे है तो इट मीन्स डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा अब आपको क्या करना है इसमें कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आपको पता है कॉन्टिन्यूट इक्वेशन में आपको डिराइव कराया था दैट इज डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रोवी बाई डेल्टी ठीक है ये कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन होती है ठीक है तो डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रोवी बाई डेल्टी और इसको आप रो डॉट भी लिख सकते हैं रो डॉट मीज रोवी डॉट माइनस में ठीक है तो रोवी डॉट का मतलब ये है कि माइनस डेल रोवी बाई डेल्टी माइनस रोवी डॉट का मतलब माइनस डेल रोवी बाई डेल्टी ये ध्यान रखिएगा जो भी टाइम वेरिंग टर्म्स है उनको हम डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें तो अब आप देखिए एज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज मोर फंडामेंटल सो एम्पियर सर्किटल लॉ शुड बी मॉडिफाइड जैसे आप देख रहे हैं ये जो हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है दिस इज वेरी मच फंडामेंटल लाइक होमोजेनियस टाइप इक्वेशन सो आपको क्या करना पड़ेगा आपको एम्पियर सर्किटल लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा

तो इधर अप्लाई करेंगे तो डेल डॉट डेल क्रॉस एच क्रॉसेस हुआ इधर हो जाएगा डेल डॉट जे प्लस एफ अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ अगेन वेक्टर वेक्टर प्रॉपर्टी ये टर्म जैसे यहाँ जीरो हुआ था सिमिलरली यहाँ भी आपका डेल डॉट डेल क्रॉस जीरो हो जाएगा ये टर्म जीरो के बराबर हो जाएगा तो जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट एफ ठीक है क्लियर अब आपको पता है डेल डॉट जे की वैल्यू हमारे पास है ठीक है डेल डॉट जे की वैल्यू क्या है ये देखिए इक्वेशन नंबर फोर में डेल डॉट जे इज इक्वल टू है माइनस डेल रो रोवी बाई टी ये हम वैल्यू यहां रख देंगे डेल डॉट जे की जगह माइनस डेल रो रोवी बाई टी और डेल एफ एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू के जीरो के बराबर है ठीक है तो डेल डॉट एफ की वैल्यू क्या आ गई अगर आप इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस डेल रो रोवी बाई टी आ जाएगा ठीक है दैट इज इक्वेशन नंबर सेवन अब आप करिए गौसला को यूज गौसला क्या कहता है डेल डॉट टी इज इक्वल टू रो वी होता है जो फ्लक्स पास होता है क्लोज सरफेस से वो वॉल्यूम डेंसिटी के इक्वल होगा ठीक है वॉल्यूम से जो पास flux, density, टर्म से करते हैं, तो उधर भी करना पड़ेगा तो डी को हमने डेल बाय डी लिख दिया इधर रोवी को डेल बायट रोवी लिख दिया ठीक है अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब हम इस जो हमारे पास ये टर्म आ रहा है कौन सा डेल रोवी बाई डेल्टी ऐसा किया क्यों था क्योंकि हमें ये इसको जो डेल रोवी बाय डेल्टी की वैल्यू है इक्वेशन एट से हम इक्वेशन सेवन में अप्लाई करेंगे बी जस्ट अप्लाई दिस फ्रॉम इक्वेशन एट टू इक्वेशन नंबर सेवन यहां पे हम वैल्यू रखेंगे ठीक है तो जब हमने वैल्यू यहां रख दिया सभी को दिख रहा होगा ये विजिबल है दिखे? हेलो बेटा ये विजिबल है ये देखिए हाँ तो यहाँ पे अब हमने डेल रोबी बाई डेल्टी की वैल्यू उठा के तो रख दिया सेवन में तो सेवेंथ में हम जो जब रखा तो डेल रोबी बाई डेल्टी जगह ये आ जाएगा ये देखिए इसकी जगह पे जब हम रखेंगे डेल रोबी बाय डेल्टी जगह क्या रखेंगे डेल डी डेल डॉट डेल डी अपॉन डेल्टी तो ये हमने रख दिया यहाँ पे एंड दैट विल बीवल टू डेल डॉट एफ डेल डॉट एफ के इक्वल है ये लेफ्ट में ठीक है अब आपको क्या करना है अब आपको पता है कि दोनों साइड हमारा डेल डॉट हो रहा है यहाँ भी डेल है यहाँ भी डेल है तो अगर दोनों के डाइवर्जेंस इक्वल है तो इसका मतलब दोनों के वैक्टर कम्पोनेंट भी क्या होंगे आइडेंटिकल होंगे तो ये वाला कम्पोनेंट मिस एफ और ये वाला कम्पोनेंट भी आपस में बराबर होगा क्योंकि दोनों में ही डेल का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है एफ इज इक्वल टू आ जाएगा डेल डी बाईज टू डेल डी बाई डेल्टी ठीक है F टी। क्लियर है ठीक है तो वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे डेल डी बाई डेल्टी और इस एफ की वैल्यू हम उठा के इक्वेशन फाइव में यहाँ रख देंगे ठीक है यहाँ पे तो डेल क्रॉस एज इक्वल टू जे प्लस एफ की वैल्यू क्या डेल डी बाई डेल्टी तो डेल डी बाई डेटी हमने रख दिया ठीक है तो यही हमारा इक्वेशन आ गया डिफरेंशियल फॉर्म में फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल की ठीक है क्लियर है सभी को इस इक्वेशन का नाम क्या है दिस इज़ योर फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन बेसिकली क्लियर क्लियर है सभी को बताइए कोई डाउट एनी बडी बताइए बेटा ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं ठीक है इक्वेशन so इक्वेशन अब सेकंड सेकंड पे आते हैं तो में भी हमें हमारे हमें पता है हमें ये प्रूफ करना डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डेल बी प्रूव करने के लिए स्टार्ट करेंगे तो वी है एंड बाई डेफिनीट जो होता है वो इंड्यूस दैट इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ फील्ड ठीक e है तो अगर हम EMF की जगह पे अब क्या ये ये जो right वाला हमारा integration e dot DL है है में रख देंगे तो so ठीक e अब यहां से आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ फाइव की वैल्यू देखें फाइव हमारा क्या होता है फाइव होता है इंटीग्रेशन बी डॉट डी ठीक है

सरफे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट इस पे हमने स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर दिया तो हमें ये मिल गया ठीक है अब आपको पता है कि ये ये टर्म एज इट इज रहेगा दैट इज राइट साइड दैट इज माइनस डेलबी बाई डेल्टी इंटीग्रेशन में इंटू डी तो अगर आप देखें तो दोनों साइड सरफेस इंटीग्रल हो रहा है इधर भी और इधर भी तो इंटीग्रेशन हमारे दोनों साइड से हट जाएंगे ड्यू टू आइडेंटिकल इन नेचर दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल्स सो डेल क्रॉस ई आपका इक्वल हो जाएगा माइनस डेल बी बाई डेल टी के ये देख सकते हैं दिस इज इक्वेशन सेकेंड ऑफ मैक्सवेल क्लियर सिमिलरली इफ यू थ्री सी द प्रूफ ऑफ मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में आपको पता है कि हमें निकालना क्या है डेल डॉट डी इज इक्वल टू बेसिकली रोवी निकालना है ठीक है तो यहाँ देख सकते हैं हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो होता है गॉस गॉसला के अकॉर्डिंग दैट इज इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस ये क्यू के बराबर होता है क्यू इज द चार्ज इनक्लोज ठीक है और क्यू हमारा भी रोवी डी वी के बराबर होता है ठीक है तो ये हमने लिख दिया अब आपने दोनों साइड गॉस थ्योरम अप्लाई कर दिया बेसिकली लेफ्ट साइड पे तो अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपका जो है सरफेस इंटीग्रल है एक वेक्टर का दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल टू द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर तो देखिए वॉल्यूम इंटीग्रल टू द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर के इक्वल आ गया है मींस इंटीग्रेशन डेल डॉट डी इनटू डी वी और ये आपका अगेन किसके इक्वल है इसके इक्वल है ये रोवी डीवी के तो ये रोवी डीवी के बराबर ही रहेगा अब आप देखिए दोनों साइड चूंकि दोनों ही वॉल्यूम इंटीरियल है ये भी और ये भी तो ये वॉल्यूमटीरियल दोनों के हट जाएंगे तो डेल डॉट डी आपका किसके बराबर आ जाएगा रोवी के बराबर आ जाएगा दिस इज योर थर्ड इक्वेशन सिमिलरली यू कैन फाइंड द फोर्थ इक्वेश प्रूफ क्लियर तो फोर्थ इक्वेशन में भी देख सकते हैं कि हमने स्टार्ट किया कि फ्रॉम गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड वी नो दैट द सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो जीरो के बराबर क्यों होता है क्योंकि मैंने बताया था कि नॉर्थ से जितनी भी फ्लक्स लाइन पास होंगी मतलब आउट होंगी उतनी साउथ पे एंटर होंगी तो नेट फ्लक्स विल भी जीरो ठीक है नेट फ्लक्स हमारा जीरो होगा क्योंकि जितनी फील्ड लाइन नॉर्थ से एग्जिट हो रही है उतनी साउथ पे मीट हो रही है ठीक है सो देअ नो चेंज इन द फ्लक्स दैट्स वाई दिस बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो

ठीक है ये जस्ट कंपैरिजन के लिए यूज हुआ है तो यहाँ भी देखिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन है यहाँ भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन दोनों हट जाएंगे तो डेल डॉट भी आपका जीरो के बराबर आ जाएगा दिस इज इक्वेशन फोर ऑफ मैक्सवेल ठीक है चार इक्वेशन इसमें किसी को कोई डाउट चारों इक्वेशन में किसी को कोई डाउट एनी डाउट बताइए बेटा हेलो किसी को कोई डाउट है चारों इक्वेशन में आवाज नहीं आ रही बेटा इसकी हेलो सर no, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा ध्यान रखिएगा मैक्सवेल इक्वेशन पेपर में ज्यादातर पूछी जाती नाइन्टी नाइन परसेंट पेपर में मैक्सवेल uh, इक्वेशन आती है ये बात ध्यान रखिएगा ठीक है तो इसको अच्छे से आपको करना है ठीक है तो देखिए अभी अब, अब इसके कुछ फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी हैं जो आप लोग को खुद करने हैं ठीक है थीके? आप एक चीज ध्यान रखिएगा जो मैक्सवेल की लास्ट की दो इक्वेशन है दैट इज 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 डेल डेल डॉट डॉट डी इक्वल इक्वल टू टू रो वी और बी जीरो हमारी क्या है बेसिकली एक तो हमारी गौसला पे बेस्ड है दैट इज डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी ये गॉसलाइन इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस्ड है और डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो गॉस लाइन मैक्ट्रो स्टैटिक पे बेस्ड है ठीक है और जो एक इक्वेशन है डेल क्रॉस ई जो कि कौन सी है देखिए डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी वाई डेल टी जो सेकेंड इक्वेशन है ये बेसिकली हमारी फेराडेज लॉ है क्या है दिस इज बेस्ड ऑन फेराडे लॉ ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है ठीक है दिस इज बेस्ड ऑन फेराडेज लॉ ठीक है ध्यान रखिएगा सिमिलरली तो मैं सही से लिख देता हूँ वॉट okay. uh, exactly तो ये क्या है आपका ये एम्पियर्स लॉ तो तो है कहते हैं। ठीक है बाकी दो आप ही बहुत सलाह हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में और एक माइट्रोस्थैटिक में ये आपकी गॉस लॉ है दिस इज योर गॉस लॉ है ठीक है और ये भी गॉस लॉ है ये आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है या इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए है दिस इज फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक और ये आपका मैग्नेटो के स्टैटिक में ठीक है तो ये सब आपको ध्यान रखना है ठीक है किसी को कोई डाउट इसमें एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं ये आप लोग को करना है ठीक है वाट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन ठीक है ये आप लोग को करना है कर लेंगे इसको हेलो हाँ व्हाट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन ये आप लोग को करना है ठीक है अभी <laughs> क्या हो गया बेटा अभी मतलब इस आप देना हाँ मतलब ये करके करना है आप लोग को ये क्वेश्चन करना है मेरा ये कहने का मतलब है ठीक है कुछ चीजें मैं इसमें और बता देता हूँ रिगार्डिंग योर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इम्पोर्टेंट ठीक है तो ये भी चीजें कुछ और भी टर्म्स है जो हम आपको बता दे रहे हैं जैसे इसपे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके पेपर में ठीक है एक क्वेश्चन आपको ये तो करना ही है आ, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मैक्सुअल इक्वेशन करना है ये मैंने काम दिया है आपको ठीक है ये क्वेश्चन भी ट्यूट में है ये, तो ये आप लोगों को करना है ट्यूट सभी की सबमिट हो गई है अभी नहीं, आज सबमिट कर दीजिए क्योंकि मैं आज ही मार्च चढ़ा दूंगा मैं बता दे रहा हूँ जिन बच्चों की ट्यूट नहीं सबमिट हुई आज कर क्या हुआ कल कर दें नहीं कल नहीं कल नहीं कल जीरो कर दूंगा आज ही आज मतलब आज है डेट है इतने दिन से कह रहे हैं तो, और फर्स्ट ट्यूट नहीं जमा कर पा रहे हो ये तुम्हारी गलती है तुम लोग जानो ठीक है देखिए कंडक्शन करंट आज का मतलब आज है ध्यान रखिएगा जो कल देंगे जीरो नंबर हो जाएंगे उनके मैं बता दे रहा हूँ पहले ही फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं कोई ठीक है देखिए कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट की हम बात कर रहे थे ठीक है तो ये दोनों भी आपको टर्म पता होने चाहिए कंडक्शन e करंट क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है ठीक है क्लियर है तो इसमें सबसे पहले आप लोग को हम बता देते हैं ठीक है कि अगर हम देखें इनका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या है ठीक है एक्चुअली जो हम लोग करंट की डिस्कॉन्टिन्यूटी एक्सप्लेन करते हैं जैसे मान लीजिए कैपेसिटर है जैसे कि हमारे पास एक सर्किट है ठीक है जैसे देखिए सर्किट है ठीक है दिस इज योर सर्किट ठीक है इसमें मान लीजिए हमारी करंट फ्लो कर रही है ये सर ठीक है क्लियर है? है सभी को ये कैपेसिटर है बेसिकली कैपेसिटर है

एक रिवाइज uh, करंट uh, निकाला था दैट इज बेसिकली द नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट ठीक है इसको रिमूव करने के लिए कॉन्टिन्यू कंडक्शन करंट तो सभी को पता है बेसिकली जे होता है या आई होता है तो वो तो कॉन्टिन्यूटी की वजह से ही आता है लेकिन जो टोटल करंट होती है दैट इज द सम ऑफ द कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट जो होल सर्किटरी में फ्लो कर रही हो और डिस्प्लेसमेंट करंट जो इसके बीच में फ्लो कर रही है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है जो प्लेट्स के बीच में डायलेक्ट्रिक मीडियम है तो जो यहाँ फ्लो करेगा दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट करंट इज इट क्लियर ठीक है तो हमको बेसिकली uh, जो निकालना है कि कंडक्शन करंट क्या है और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है ठीक है तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं जो न्यूमेरिकल आ जाता है पेपर में ठीक है तो लेट एट है तो बहुत छोटी चीज लेकिन न्यूमेरिकल आ जाता है ये ध्यान रखिएगा लेट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट इंस्टेंट बेसिकली यहां डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है इसके बीच में क्या रहती है डिस्कॉन्टिन्यूटी डिस्कॉन्टिन्यूटी ऑफ चार्ज ठीक है तो चार्ज की डिस्कटीन्यूटी के बीच में भी, भी यहाँ होने की वजह से यहाँ पे हमें कंडक्टिविटी नहीं मिल पाती है तो दस वी विल फाइंड द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट चार्ज चार्ज तो, चार्ज। तो चार्ज की वजह से ही हमको डिस्प्लेसमेंट कंडक्टिविटी मिलती है डिस्प्लेसमेंट करंट मिलती है है ठीक चार्ज विल बी डिस्प्लेस फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट तो वो डिस्प्लेस जो हो रहे हैं इस प्लेट से इस प्लेट पे उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी आएगी वो डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगी ठीक है यही हम लोग को निकालना भी है तो एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट सपोज

Is defined as the टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ठीक है तो कंडक्शन करंट सभी को पता है आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है ये सभी को पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज दैट इज करंट यही आपकी कंडक्शन करंट है ठीक है Clear. Now you know that there is electric displacement in dielectric. Okay. Now electric displacement. Displacement D in dielectric. Electric displacement DK ho in dielectric. That will be. डी इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए डीज इक्वल टू सिमा इज इक्वल टू क्यू बाई दिस इज योर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट ठीक है अगर आप यहां से देखेंगे सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी है एंड एज द एरिया ऑफ प्लेट वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड ए इज एरिया ऑफ प्लेट जो हमारी कैपेसिटर की प्लेट है एरिया ऑफ प्लेट ठीक है इक्वेशन नंबर टू कर दीजिएगा ठीक है अब आपको पता है फ्रॉम इक्वेशन टू यू कैन सी फ्रॉम इक्वेशन टू इफ यू सी तो हमको क्या मिल जाएगा क्यू इज इक्वल टू डी इंटू ए मिल जाएगा बताइए क्यू इज इक्वल टू डी इंटू ए मिल जाएगा इक्वेशन नंबर थ्री ठीक है क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी डी इन टू ए क्लियर है अब क्या करिए क्यू की वैल्यू इक्वेशन थ्री से इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए पुट वैल्यू ऑफ क्यू फ्रॉम इक्वेशन थ्री टू इक्वेशन वन से वन में पुट कर देंगे यहाँ पे कि थ्री से हम जो क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे सो यू विल गेट क्या मिल जाएगा I C is equal to D by dt. और क्यू की जगह आ जाएगा D into A इन टू इसको हम लिख सकते हैं A डॉट एरिया तो आपका कांस्टेंट है that is D बाई डी टी ऑफ डी ठीक है ये आपका आईसी आ जाएगा दिस इज इक्वेशन नंबर फोर ठीक है क्लियर है सभी को ठीक है यहां तक ये आ गया ठीक अब मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या है कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो ये वाला टर्म है ए डी बाई डी टी ऑफ डी ये बेसिकली क्या है दिस इज द करंट दैट इज इनसाइड द डायलैक्ट्रिक ये मैक्सवेल के अकॉर्डिंग नाउ अकॉर्डिंग टू मैक्सुअल मैक्सुअल का स्टेटमेंट है कॉमा ए डी वाई डी टी इंटू डी इज वॉट दिस इज योर मतलब ये आज लिख सकते हैं इज कंसिडर्ड एस दिस इज कंसीडर्ड एस वॉट द करंट इन साइड द डायलैक्ट्रिक द करंट इन साइड द डायलैक्ट्रिक ठीक है ये इन साइड द डायलैक्ट्रिक है सो so, अगर ये इन साइड द डायलेक्ट्रिक करंट है तो इसको हमने क्या बोला था डिसमेंट करंट वो सॉरी हाँ दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट दैट इज आई डी ठीक है दैट विल बी इक्वल टू ए डी बाई डी टी ऑफ डी ठीक है दिस इज योर आई डी ठीक है सो इक्वेशन नंबर ये आपके डिस्प्लेसमेंट करंट है ठीक है और कंडक्शन करंट क्या थी कंडक्शन करंट है डी क्यूब आई डी थी दोनों में जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये कहाँ फ्लो कर रही है कैपेसिटर के बीच में जो डायलेक्ट्रिक मीडियम है वहां फ्लो कर रही है ठीक है क्लियरली डिफाइंड सभी को बेसिकली यहाँ पे फ्लो कर रही है इस पोर्शन में जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में दिस इज योर यी और ये आपकी आई सी है ठीक है कंडक्शन करंट टोटल करंट जो होगा आईडी प्लस आईसी होगा तो आई डी की वैल्यू ये है ए डी बाई डी टी ऑफ दिस अब करंट डेंसिटी अगर निकालना है नाउ यू कैन ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या होगा दैट इज जे डी जैसे Jd इज इक्वल टू आई वाई ए होता है तो आई वाई ए करेंगे तो मैं आई डी बाई ए करेंगे आई डी की वैल्यू क्या है ए डी वाई डी टी इंटू डी डिवाइड कर दीजिए ए से डिवाइड कर दीजिए तो ए से ए कैंसिल हो गया डी वाई डी टी ऑफ डी ठीक है ये आपका हो गया जे डी आई थिंक क्लियर है सभी को ये आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट हो गई ठीक है इस इसपे क्वेश्चन बहुत आते हैं कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट और जो डी है बेसिकली जो वेक्टर डी है वेक्टर डी ये वेरी करता है स्पेस में क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इट में वैरी विथ स्पेस स्पेस के साथ ये वेरी करता है ठीक है हेंस

क्लियर है सभी को अब जो ये ध्यान रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये आपका हो गया इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो रिगार्डिंग पेपर ये आती हैं इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है रेशियो ऑफ कंडक्शन करंट डेंसिटी टू डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कंडक्शन करंट डेंसिटी टू डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी ठीक है कंडक्शन करंट डेंसिटी टू डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी ठीक है अब आप लोगों को पता है कि कंडक्शन करंट डेंसिटी क्या होती है अभी हमने बताया दैट इज आईसी डी क्यू बाई डी ठीक है बेसिकली जो यू नो दैट वी नो दैट वॉट द कंडक्शन करंट डेंसिटी कंडक्शन करंट डेंसिटी कंडक्शन करंट डेंसिटी क्या होता है जेसी होता है जेसी की वैल्यू सिग्मा इंटू ई होता है ठीक आपका जे इज इक्वल टू सिंट आप लोगों ने पढ़ा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा आपका कंडक्टिविटी है ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम ठीक है तो अगर इसको फेजर फॉर्म में लिखते हैं मतलब फेजर फॉर्म ठीक है फेजर का मतलब एंगल के फॉर्म तो आपका आ जाएगा इज इक्वल टू होता है ई नॉट ई की वैल्यू जो होती है इन फेजर फॉर्म ई नॉट ई की ई की टी जे ओमेगा तो ये वैल्यू आप यहाँ रख देंगे सो so, तो आपको जे सी मिल जाएगा सिग्मा इंटू ई की वैल्यू क्या ई नॉट इंटू की पावर टी दिस इज द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेंसिटी ठीक है ऑल्सो यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या होता है अभी बताया है, जस्ट अभी जेडीजल टू डी डेल डी बाई डेल टी ठीक है तो इसमें हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ डी की जगह क्या लिख सकते हैं एफ साइलेंट इंटू एफ सैलन नॉट नहीं रखेंगे एफ ई रखेंगे ठीक है क्लियर है ये हो जाएगा एफ साइलन और ई की जगह क्या रख देंगे ई की वैल्यू ई नॉट इंटू की पावर जे ओमेगा टी है ई तो नॉट और डी वाई डी टी ई की पावर जे ओमेगा